फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है श्रीनगर से। खबर यह है कि दो पुलिस कर्मियों को गोली मारी गई है आतंकी द्वारा, लेकिन खास बात यह है कि इस पूरे वाक्या को सीसीटीवी फुटेज द्वारा देखा गया है। खबर यह आ रही है कि आतंकी साकिब द्वारा दोनों पुलिस कर्मियों को पीछे से गोली मारी गई है और इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ले ली है। एरिया को कॉटन ऑफ कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। माना यह जा रहा है कि सोर्सेज के मुताबिक ये खबर आ रही है कि साकिब को लोकल सपोर्ट के चलते ये काम को अंजाम दिया है। साकिब ने लोकल सपोर्ट के चलते इस काम को अंजाम दिया है, साकिब ने ये खबर आ रही है, लेकिन एरिया को कॉटन ऑफ कर दिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। कायराना हरकत की फुटेज और जिम्मेदारी ले ली गई है लश्करे तैयबा द्वारा। सीसीटीवी फुटेज बाहर आ चुका है, सब देख चुके हैं कि साकिब ही वो आतंकी है जिसने दोनों पुलिसकर्मियों को पीठ पीछे गोली मारी है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, कायराना हरकत, लश्करे तैयबा ने जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है और कहा यह जा रहा है, सोर्सेस का मानना है कि लोकल सपोर्ट भी मिला है साकिब, जिसके चलते उसने इस कार्रवाई को अंजाम दी है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस इस मामले में क्या कार्रवाई करती हैं। जो भी खबर निकल कर आएगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी इसके चलते मैं आप लोगों के सामने आया। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।